तो सैमसंग गैलेक्सी S21 को हम आपको क्यों रिकमेंड करते हैं बार बार, कि अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग के पर्पस से लेना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूब में वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं, तो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE क्यों अच्छा डील रहेगा आप लोगों के लिए, वो आपको इस वीडियो में डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको डिटेल में बता देंगे। बस सब्सक्राइब वाला खेला कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम हम फिर से खेला कर सकें, क्योंकि हमको बहुत ही अच्छे से पता है कि स्मार्टफोन से जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो आपको किन किन फीचर्स का, किन किन चीजों का रिक्वायरमेंट पड़ता है, क्योंकि हम खुद जो है स्मार्टफोन से जो है बहुत पहले जो है रिकॉर्डिंग वगैरह करते थे। रियलमी का X3 स्मार्टफोन है, इससे जो है मैंने बहुत सारी वीडियो जो है यूट्यूब में बनाया, और अभी भी जो है स्मार्टफोन से ही जो है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा, अभी जो है मैं स्मार्टफोन से ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं, इसलिए जो है स्मार्टफोन से मैं रिकॉर्डिंग करता हूं। अब देखिए सैमसंग गैलेक्सी S21 का जब हमने रिव्यू किया था, फुल रिव्यू भी जो है चैनल पे उपलब्ध है, और साथ ही साथ जो है मैंने डिटेल में कैमरा टेस्ट भी कर दिया था, और साथ ही साथ आप लोगों के डिमांड के ऊपर जो है हमने पिक्सल 6a का और सैमसंग गैलेक्सी S21 FE का कैमरा टेस्ट भी आउटडोर में करके दिखा दिया था, जिससे आप लोगों को यहां पे कंक्लूजन मिल गया था। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है उन वीडियोस के नीचे भी था, जैसा कि फ्रंट कैमरा का वीडियो रिकॉर्डिंग किस टाइप का होता है, यूज करने लायक है कि नहीं, और रियर कैमरा का वीडियो क्वालिटी किस टाइप का आता है, पोर्ट्रेट मोड में वीडियोग्राफी वगैरह करते हैं तो एज डिटेक्शन किस टाइप का आता है, 1x में किस टाइप का क्वालिटी मिलेगा, 3x में किस टाइप का क्वालिटी मिलेगा, बाहर में अगर हम वीडियोस वगैरह शूट करते हैं तो उस केस में जो है किस टाइप का एज डिटेक्शन वहां पे निकल कर आएगा। और बहुतों का ये भी क्वेश्चन था कि सैमसंग गैलेक्सी S21 FE व्लॉगिंग के लिए है कि नहीं, व्लॉगिंग के लिए हम इसे ले सकते हैं कि नहीं, इसका स्टेबिलाइजेशन किस टाइप का, OIS जो है इसका किस टाइप का काम करता है, तो ये सारा मसला का हल जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, अगर इत्मीनान नहीं है तो जब इत्मीनान हो जाए ना तभी देखिएगा, कंक्लूजन फिर मिल नहीं पाएगा ना, इसलिए आपको बोल रहा है। सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा यूजफुल जो फीचर मुझे लगा सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में वो है इसका प्रो वीडियो मोड। अब देखिए बहुत सारे स्मार्टफोन में आपको प्रो वीडियो मोड का ऑप्शन नहीं रहता हो, और अगर प्रो वीडियो मोड का ऑप्शन रहता भी है ना तो आप वहां पे डायरेक्टली एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है और उस केस में आप जो है एडजस्ट कर पा रहे हो। लेकिन यहां पे सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में अच्छी चीज क्या है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए जो है प्रो मोड को यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त जो है आप जो है मैनुअल एक्सपोजर को जो है मैनेज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, ऑटो फोकस को मैनेज कर सकते हो, व्हाइट बैलेंस को आप एडजस्ट कर सकते हो, साथ ही साथ जो है ISO लेवल को जो है अपने हिसाब से जो है वहां पे आप यूज कर सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है ये प्रो वीडियो मोड, जो कि बहुत सारे क्रिएटर का बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अब ये आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है, आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप प्रो वीडियो मोड को जो है किस टाइप से यूज कर पाओगे। जैसे कि आप यहाँ पे फुटेज पे देख पा रहे हो कि मैंने किस तरह से यहाँ पे जो है ऑटो फोकस को यूज करते हुए कितना छोटा सा पत्ता पे एक छोटा सा जो है मक्खी बैठा है, उसका कितने अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे ऑटो फोकस को मैनेज करके मैंने यहाँ पे एक शॉट लिया वीडियो को, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह का जो है प्लांट का यहाँ पे मैंने सिनेमेटिक शॉट लेने की कोशिश की। तो ये बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फुटेज जो है यहाँ पे आप निकाल सकते हो। यहाँ पे फीचर्स तो दिया गया मेरे भाई, अब ये आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। दोस्तों रही बात जूम लेवल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में आप 30x तक का जूम कर सकते हैं, लेकिन 30x का जूम का जो फुटेज होता है वो यूजेबल नहीं होता, बस आपको थोड़ा बहुत जो है फोटोज वगैरह खींचते हैं ना तो वहाँ पे काम आ जाएगा। बाकी वीडियोग्राफी में अगर आपको जूम करके फुटेज वगैरह निकालना है तो वहाँ पे आपको 12x तक का जूम दिया गया है, लेकिन अगर आपको अच्छा फुटेज निकालना है, यूज करने वाला फुटेज निकालना है, तो मेरे हिसाब से 3x या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7x तक जो है आप अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जूम में भी, लेकिन 3x में आपको ज्यादा अच्छा फुटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, कि वहाँ पे आपको जो है टेलीफोटो वाला लेंस दिया गया है ना 3x का ऑप्टिकल वाला, तो वहाँ पे आपको उसे खेला चल जाएगा। बाकी एज अ क्रिएटर मुझे लगता है कि जो पोर्ट्रेट वीडियो मोड होता है ना, जो ब्लर वगैरह हम मारते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज अ क्रिएटर। काहे कि जब भी हम वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो हमारे पीछे या फिर आगे हमको कोई ऐसा सब्जेक्ट का फोटो लेना होता है या फिर ऐसा कोई चीज का हमको जो है यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करना होता है जिससे बैकग्राउंड जो है अच्छे से ब्लर हो जाए और जो मेन ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से दिख पाए। अगर हम यहाँ पे फेस कैम वगैरह भी कर रहे हैं, बैकग्राउंड जो है हमारा उतना अच्छा नहीं है, तो अगर ब्लर हो जाता है ना तो वहां पे जो है वीडियो जो है काफी अच्छा और काफी प्रोफेशनल भी दिख। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि बहुत सारे स्मार्टफोन में आपको जो है ब्लर वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, पोर्ट्रेट वीडियो जो होता है वो ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन जो एज डिटेक्शन है वो उतने अच्छे से काम नहीं करता, बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल लगता है। खास करके OnePlus के स्मार्टफोन में देखा है कि जब भी आप ब्लर वीडियो करोगे या पोर्ट्रेट वीडियो करोगे ऑप्शन तो मिल जा रहा है, फीचर्स तो मिल जा रहा है, लेकिन जो फुटेज होता है ना वो यूजेबल नहीं होता, वो उतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे रियलमी X3 का जो ब्लर वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, इससे मैंने
कंपेयर भी किया था, लेकिन जो है वन प्लस नहीं टिक पाया था। अब ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरी बात है, जो मुझे फील है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में खास करके अगर हम बात करें पोर्ट्रेट वीडियो के बारे में, फिर चाहे वो फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें या फिर यहाँ पे रियर कैमरा के बारे में बात करें, इसका जो एज डिटेक्शन है ना, अगर आप नजदीक से ऑब्जेक्ट का वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जबरदस्त जो है इसका एज डिटेक्शन करता है, आपको बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लगता, ये इसकी बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप रियर कैमरा शूट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे सैंपल्स आपके सामने चल रहा होगा, तो यहाँ पे जो एज डिटेक्शन है वो मुझे इसका बहुत ही अच्छा लगा। बस आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर ना जाए, जो आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो अगर ज्यादा दूर चला जाएगा तो फुटेज आपको उतना बेटर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर नजदीक है तो फुटेज आपको बहुत ही ज्यादा बवाल मिलने वाला। और सबसे अच्छा चीज मुझे ये लगा पोर्ट्रेट वीडियो में कि आप 3x ऑप्टिकल जूम करके जो है यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो पोर्ट्रेट मोड में, जिसका फुटेज जो है बहुत ही अच्छा निकल के आता है मेरे भाई। तो अगर आपको ब्लर वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा शूट करते हैं ना फ्रंट या फिर रियर से, तो आग बन करके सैमसंग गैलेक्सी S21 FE को ले सकते हो। अंडर 30 के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिएगा, हम आपको गारंटी देते हैं कि जिस टाइप का सैमसंग गैलेक्सी S21 में आपको ब्लर वीडियो मिल रहा है ना, उस टाइप का ब्लर वीडियो आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये चीज हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि हम खुद स्मार्टफोन से यहाँ पे वीडियोस वगैरह शूट करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे से हमको आईडिया, बहुत सारे स्मार्टफोन से हमने कंपेयर भी कर रखा है, इसलिए आपको कह रहे हैं। अब बात करते हैं इसके OIS को लेके, यानी कि कितना ज्यादा जो है स्टेबिलिटी आपको वीडियो में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस स्मार्टफोन को मैंने तरह तरह के कंडीशन में यूज किया, मार्केट में चल फिर के भी किया, इसको दौड़ के भी किया, और नॉर्मल चल फिर के भी जो है मैंने ब्लॉगिंग वगैरह यहाँ पे करने की कोशिश की। तो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा डिटेल में टेस्ट करने के बाद हम आपको इतना ही कह सकते हैं कि इसका फ्रंट कैमरा का OIS जो है आपको डिसेंट मिल जाएगा, बहुत ही ज्यादा बवाल नहीं, लेकिन हाँ आपका काम जरूर से चला देगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा रनअप करते हो ना तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल चल फिर के जो है व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो तो बिल्कुल जो है यहाँ पे आपको 1080p 30fps पे बहुत ही अच्छा जो है इसका जो है वीडियो स्टेबिलाइजेशन आपको मिल जाएगा। 4K में आपको उतना अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन 1080p 30fps पे और 60fps पे आपको जो है OIS जो है बहुत ही अच्छे से काम करता है। और अगर बात करें रियर कैमरे के बारे में तो वहाँ पे भी जो है 60fps और 30fps पे जो वीडियो का स्टेबिलाइजेशन आपको मिलेगा वो आपको 4K में नहीं मिलेगा। 4K में भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो यूजेबल फुटेज है ना वो आपको 30fps पे और 60fps पे कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा आउटपुट आपको यहाँ पे निकल के आएगा। तो दोस्तों अगर आपको व्लॉगिंग के लिए ये स्मार्टफोन लेना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना फ्रंट या रियर कैमरा से, किसी से भी अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो तो बेशक आप यहाँ पे ये स्मार्टफोन को ले सकते हो। बस एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि कोई भी स्मार्टफोन हो, फिर चाहे वो आईफोन हो, रियलमी X3 हो, सैमसंग गैलेक्सी S23 हो या फिर कोई भी अदर स्मार्टफोन हो, कैमरा को बहुत ही ज्यादा यूज कीजिएगा ना तो वो हीटअप भी होता है और बैटरी बैकअप कम भी देता, तो उसके लिए आपको पहले से यहाँ पे रेडी रहना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, समझिए बात को, जो चीजें हैं वो चीजें हम आपको यहाँ पे क्लियर कट बता देते हैं। देखो चीजें तो यहाँ पे अच्छी मिल रही, लेकिन कुछ चीज तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा ना, समझ सकते हैं ना। बाकी वीडियो की क्वालिटी में आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा में स्विच भी कर सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग चालू रखते हुए ही। आईफोन में तो पॉज भी नहीं कर सकते मेरे भाई, आप यहाँ पे फ्रंट और रियर में स्विच भी कर सकते हो। बाकी रही बात बैटरी के बारे में, जितना बार भी मैंने स्मार्टफोन को यूज किया, खास करके कैमरा को जब भी मैंने यूज किया है, तो देखो जिस टाइप के लोग आपको बताते हैं कि बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा कम मिल रहा है, मेरे हिसाब से उतना भी कम नहीं जितना लोग आपको बताते हैं। देखो यूट्यूब पे खेला चलता वो आपको बहुत ही अच्छी से पता है, आपको ये देखना है कि आपके यूज के हिसाब से वो स्मार्टफोन आपका रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल कर रहा है कि नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, लोग क्या बोलते हैं, डजंट मैटर मेरे भाई। अब ये देखिए कि आपके यूज के हिसाब से वो स्मार्टफोन आपका जो है काम धंधा चला देगा कि नहीं देगा, समझ रहे ना। अगर समझ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ना मेरे भाई, इतना वेट काहे कर रहे हैं, आप ही लोग के लिए वीडियो बनाते हैं ना। अब बात करते हैं सीधी बात, नो बकवास, बोले तो कंक्लूजन के बारे में। अब फ्रेंकली एक चीज हम यहाँ पे आप लोग से यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे कि कोई भी स्मार्टफोन को जब भी आप यूज करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोबाइल हीट करेगा ही करेगा और स्मार्टफोन का जो है बैटरी जो है बैकअप कम देगा। आप अपने आप से खुद पूछिए कि DSLR को जब आप यूज करते हो तो क्या उसका बैटरी बैकअप दिन भर चलता है? क्या आईफोन का कोई भी मॉडल आप उठा लीजिए, जब आप उसका कैमरा यूज करते हो, व्लॉगिंग वगैरह करते हो, वीडियो रिकॉर्ड करते हो, तो क्या आईफोन हीट नहीं करता? या फिर सैमसंग गैलेक्सी S23 जिससे अभी हम शूट कर रहे हैं, क्या ये हीट नहीं करता? या फिर जब आप GoPro से वीडियोस वगैरह शूट करते हो तो क्या GoPro हीट नहीं करता है? या फिर डिजिटल कैमरा को पकड़ लीजिए, DSLR को पकड़ लीजिए, सोनी का ZV-E10 को पकड़ लीजिए, फिर कैनन का Mark 200D को पकड़ लीजिए, सब कुछ हीट करता है मेरे भाई। जब आप कैमरा को यूज करते हो ना तो सिर्फ कैमरा काम में नहीं आ रहा होता, उसका हार्डवेयर भी एकदम मैक्सिमम लेवल पे यूज हो रहा होता है, बैटरी भी यूज हो रहा होता है, प्रोसेसर उसमें डाला गया है वो भी बहुत ही तगड़ी तरीके से यूज हो रहा था। तो यहाँ पे जब आप दबा के कैमरा को यूज करते हो ना, फिर चाहे वो महंगा स्मार्टफोन हो, महंगा कैमरा हो, या फिर आपको सस्ता स्मार्टफोन हो, दबा के वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा ना तो मोबाइल हीट करेगा ही करेगा। बस आपको ये देखना है कि वीडियो क्वालिटी में कोई भी तरह का दिक्कत तो नहीं हो रहा है। अगर वीडियो क्वालिटी में दिक्कत हो जाए तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं। अगर बैटरी कम मिल रही है तो आप उसको चार्ज करके जो है यहाँ पे जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते, हीटिंग हो रहा है तो जो है आप आधे घंटे या एक घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपना काम चला सकते, लेकिन अगर वीडियो क्वालिटी ही अच्छी नहीं आएगी तो भाई बैटरी का हम अचार डालेंगे।
करेंगे या फिर मोबाइल हीट करेंगे, हम उसका अचार डालेंगे, समझ रहे हैं ना। तो अगर मोबाइल हीट कर रहा है और बहुत सारी चीजें अगर आपको अच्छी मिल रही है ना, तो मेरे हिसाब से आपको मैनेज करना चाहिए। जैसे कि हमने भी जो है यहाँ पे रियलमी X3 मैनेज किया, ये स्मार्टफोन को भी जब हम यूज करते थे ना वीडियो रिकॉर्डिंग के पर्पसेस से, एक घंटे से ज्यादा जब रिकॉर्डिंग कर लेते थे तो हीट करता था ये स्मार्टफोन भी। आप ये सोचिए ना भाई कि आप एक घंटे तक लगातार कितना देर पचर पचर कीजिएगा, जैसे अभी हम आपके सामने पचर पचर कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हम कितने देर कर सकते हैं, आधे घंटे एक घंटे कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे रिलैक्स लेंगे, उसके बाद ना वीडियो शूट करेंगे। तो उतना दिमाग मत लगाइए जैसे कि लोग आपको यहाँ पे बता देते हैं कि मोबाइल हीट कर रहा है, मोबाइल में दिक्कत है, बैटरी कम है। आप ये देखिए कि आप जिस पर्पस के लिए स्मार्टफोन ले रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ले रहे हैं, तो उसमें कमी नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी, अगर समझ में आ गई हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए मेरे भाई, इससे दूसरों का भी हेल्प होता है। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।